शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वार्ताकारों की प्रदर्शनकारियों से दो राउंड की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। आज एक बार फिर वार्ताकार प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत करने पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि 69 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन का दौर क्या आज खत्म हो पाएगा। ये शाहीन बाग वहाँ है सारे आंदोलनों की बदलने में आपका भी हाथ है, हमारा भी हाथ है, सबका हाथ है। इंशाअल्लाह मैं सुन रहा हूँ, इंशाअल्लाह माहौल बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान है, तो अगर हम चाहते हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से दो राउंड की बातचीत के बाद भी कोई बात नहीं बन सकी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वार्ताकारों की समस्या का समाधान निकालने की कोशिशें अब तक बेनतीजा ही साबित हुई हैं। आज लगातार तीसरे दिन वार्ताकार संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला शाहीन बाग में आंदोलनकारियों के बीच पहुंचेंगे और शाहीन बाग को खुलवाने की कोशिश करेंगे। गुरुवार की बातचीत के बाद वार्ताकारों ने एक वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा सामने रखा। The protesters at Shaheen Bagh reiterated their respect for and confidence in the Supreme Court. They were very grateful for the opportunity offered to them by the Supreme Court to consider their position. We strongly recommended to the protesters to fruitfully utilize this interaction. Some women protesters pointed out options or alternatives in terms of roads which could ease the crisis. We urge the protesters to come up with creative solutions to the traffic situation while simultaneously protecting their right to protest. We will continue to meet the protesters, hopefully in a more organized manner. गुरुवार को दूसरे दिन की बातचीत में वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों के सामने इस बात पर जोर दिया कि सड़क खुल जाए और प्रदर्शन भी चलता रहे, शाहीन बाग में ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए। बीते दिन काफी देर तक आंदोलनकारियों और वार्ताकारों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। अंत में जब कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा तो बात करने लायक माहौल न होने की बात कहकर साधना रामचंद्रन नाराज हो गई। पूरी बातचीत में दोनों वार्ताकारों ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखने की नसीहत भी दी। आपका शायद ये कहना है कि अगर आप यहाँ से निकले तो और कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए। जब तक हम हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, आपकी सुनवाई कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल अब नजर शाहीन बाग में तीसरे राउंड की बातचीत पर टिकी है। देखना होगा कि क्या आज वार्ताकार आंदोलनकारियों को समझाने में सफल होते हैं या फिर 69 दिन पूरे कर चुका शाहीन बाग का धरना आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।